बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है. कौन कौन सा? एक वर्ब है स्टेटिव वर्ब. ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, इससे कैसे कैसे एरर्स आएगा ना, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. एक है स्टेटिव वर्ब और दूसरा है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब बोल दो या उसको हम डायनेमिक भी बोल देते हैं. डायनेमिक का मतलब भी होता है एक्शन हो रहा है. तो बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है. ओके, क्योंकि कभी कभी वर्ब एक्शन भी करता है और नॉन एक्शन भी करता है. और नॉन एक्शन वाले में क्या आएगा, कौन सा वर्ब? नॉन एक्शन वाले में वो वर्ब आएगा ना जो स्टेट बता रहा है और जो पोजेशन बता रहा है, ठीक है. और बाकी जो एक्शन बता रहा है वो तो, अरे कहाँ चला गया, उल्टा लिख दिया मैंने. स्टेटिव वर्ब मतलब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है स्टेट बता रहा है, नॉन एक्शन. यहाँ पे लिखना था मुझे, वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया गया क्योंकि वर्ब कभी कभी एक्शन बताता भी है, कभी कभी नहीं भी बताता है. जब जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जब कोई नो एक्शन हो रहा है वर्ब के द्वारा, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं. और स्टेटिव वर्ब में कौन सा वर्ब होता है जो स्टेट भी बताता है और साथ में पोजेशन भी बताता है, पोजेशन भी बताता है. आपने देखा, आई हैव अ बुक में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ही इज इल में भी कोई क्रिया नहीं, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम स्टेटिव और पोजेशन बताने वाले वर्ब ये होते हैं. और एक्शन बताने वाले वर्ब्स तो बता ही दिया जिसमें एक्शन हो रहा है. अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने वाली हूँ, ठीक है. आप मुझे बताओगे कि कौन सा वर्ब स्टेटिव है और कौन सा वर्ब एक्शन है, कौन सा वर्ब स्टेटिव है और कौन सा एक्शन है. पहले तो देखो यहाँ का गेव क्या है, अब मुझे बताओ. और यहाँ भी, यहाँ पे तो दो वर्ब है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. अब जल्दी जल्दी बता दो, ऊपर वाला गेव क्या है? टेंस अभी नहीं पढ़ाया. ऊपर वाला गेव क्या है? सारे के लिए है, एनडीए के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है, भाई सबके लिए, सब के लिए है माय डियर स्टूडेंट, सबके लिए है. टेंशन नहीं लेने का है. हाँ, ऊपर वाला जो है ना, ही गेव अ बुक, बुक देते समय कोई क्रिया हो रही है ना, यहां भी एक्शन है. और ही वॉज गिवेन अ बुक, यहाँ भी एक्शन हो रहा है. बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ उस व्यक्ति ने खुद बुक दिया और यहाँ उसने खुद नहीं दिया, कोई और आके उसको दिया. हर ने उसको बुक दिया, लेकिन हर के द्वारा भी तो क्रिया की गई ना, तो ये पैसिव में है, ये भी एक्शन है. आई हैव अ बिग हाउस, तो यहाँ पे ये वाला एक्शन वर्ब है, ठीक है. ये दोनों एक्शन वर्ब है. और ये कैसा वर्ब है? ये आई हैव अ बिग हाउस पोजेशन बता रहा है ना, तो ये स्टेटिव वर्ब है. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ही इज इल में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब. दूसरा वाला और भी कुछ करते हैं. ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. यहाँ का इज भी स्टेटिव वर्ब है. आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, और मेरे जानने में मेरे द्वारा कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, तो ये भी स्टेटिव वर्ब है, ये भी स्टेटिव वर्ब है, ये भी स्टेटिव वर्ब है. नेक्स्ट वाला देखो, she has a beautiful dress. ये भी स्टेटिव वर्ब है. उसको इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश पसंद करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव है. मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, चाय से ज़्यादा. तो प्रेफर करना, लाइक करना, किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देना, तो ये स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब. अरे ये आयुष पूछ रहे हैं कि मैम स्टेटिव वर्ब क्या होता है. स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होता है ना जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है. देखो, मुझे इंग्लिश पसंद है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा. मेरे पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, कोई एक्शन नहीं हो रहा. मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिस क्रिया में एक्शन नहीं हो रहा है वो स्टेटिव वर्ब है. ओके, जैसे मैं, हाँ, और भी अभी मैं ला रही हूँ सेंटेंसेस. अब देखो, ही गोज टू स्कूल. स्कूल जाने में, उसके जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में एक्शन हो रहा है ना, दौड़ने में रन रन एक्शन हो रहा है ना, तो ये सारे एक्शन वर्ब्स, ये सारे एक्शन है, एक्शन है. यहाँ भी देखो, और भी होगा. द मंकीज आर ईटिंग द बनानास. खाने में भी क्रिया हो रही है, तो ये भी एक्शन है. गाड़ी ड्राइव कर रहे हो स्लोली, ड्राइव में भी क्रिया हो रही है, ये एक्शन है. एक जगह पे से दूसरे जगह पहुँच रहे हो, ये भी एक्शन वर्ब है. तो अभी तक आपने क्या सीखा कि वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेटिव वर्ब. और मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिया है, आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिया है. पोजेशन बता रहा है ना, यहाँ का जो हैज है वर्ब है, पोजेशन बता रहा है, और पोजेशन बताने वाले वर्ब में भी तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो स्टेटिव वर्ब में आए. ओके, हाँ, तो ये हो गया. अब बोलोगे कि मैम आखिर आपने ये क्यों पढ़ाया, ये स्टेटिव वर्ब आपने पढ़ाया, हाँ,
और आपने स्टेटिव वर्ब वो वर्ब जहाँ पे एक्शन नहीं होता है, और आपने एक्शन वर्ब पढ़ाया, अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे एरर्स कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, एरर्स कैसे कैसे आते हैं, इससे दो तरह के एरर्स आते हैं जो कि एकदम दिमाग में बैठा लो। इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ना है। ओके, हमने ये पढ़ा, अब दिमाग में आना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जनरली वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, बट कई बार ऐसा भी होता है ना, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, एडजेक्टिव भी बताता है। ये वाला नोट करते जाइए, तब आपके दिमाग में आएगा कैसे पता चलेगा कि हमने तो शुरू से पढ़ा है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और आपने यहाँ पे लिखा है वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है। अब यहाँ पे आपका स्टेटिव वर्ब काम आएगा। जब वाक्य में स्टेटिव वर्ब आ गया, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। इसको लिख लेना है। ओके, हाँ, तो चलो अब आओ, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है और स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव बताता है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वही लिखा है मैंने, स्टेटिव वर्ब इज इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव एंड एक्शन वर्ब इट टेक्स एन एडवर्ब। ओके, 16 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी करवाया है। ओके, ये भी तो देखना है कैसे कैसे एरर्स आता है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये स्वीट क्या है? ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब। ओके, अगेन स्वीट एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। बिटर मतलब कड़वा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जब एलवाई लग गया ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब है। अभी क्या बताया? अब मुझे बताओ कि यहाँ भी कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मैम स्वीटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अरे बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि स्वीटली वर्ड नहीं होता है, स्वीटली वर्ड होता है, बट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा बता रही हूँ। ये कैसा वर्ब है? एक्शन है कि स्टेटिव वर्ब है? चलो बताओ, सैंग कैसा वर्ब है? बर्ड्स बहुत सुरीला, बहुत स्वीट गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं, कैसा वर्ब है ये? नहीं, मेरे को बताओ कैसा वर्ब है, कैसा वाला? ये गाना गाने में कोई क्रिया हो रही है ना, तो ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ब है, और आपको पता है कि एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, ये गलत है। स्मेल, रोज का जो स्मेल है, देखो यहाँ स्वीटली करेक्ट है, बट यहाँ स्मेल, जो रोज का स्मेल है ना, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट स्मेल है। ठीक है, बहुत अच्छा सा स्मेल है, और स्मेल, रोज का जो स्मेल है, अब मत सोचो कि मैम यहाँ रोज स्मेल कर रहा है, और स्मेल करने में तो कोई क्रिया हो रही है। अरे रोज नॉन लिविंग थिंग है, ये कहाँ से अपने आप से खुशबू ले रहा है? ये बोल रहे हैं कि रोज का जो स्मेल है, और यहाँ पे स्मेल स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगाओ। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था, रोने में क्रिया हो रही है, तो एडवर्ब लगाना। और टेस्ट, जो फूड का स्वाद है वो बहुत कड़वा है, तो फूड नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के द्वारा तो कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वाला। वर्ब को ना, वर्ब को ऐसा पढ़ के जाना है ना कि आप किसी को पढ़ा पाओ, कुछ भी वो वर्ब से रिलेटेड कहीं से क्वेश्चन पूछे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप लॉजिक देते हुए उसको एक्सप्लेन कर पाओ। नेक्स्ट वाला और भी होगा कुछ क्वेश्चंस। देखो, पहले तो मुझे बताओ कि ये क्या है, ये डिसअपॉइंटेड क्या है? डिसअपॉइंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। बहुत बेचारा डिसअपॉइंटेड था, बहुत निराश था, ये डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है। ओके, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म ना पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। ही की विशेषता बताई जा रही है ना, ही क्या है? बहुत दुखी है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम क्या का यूज करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे बिटरली लगाना, बिटरली। और एक चीज और याद कर सकते हो, बिटरली डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड। एक चीज आप और याद कर सकते हो, जैसे बिटर का दो मतलब होता है, एक बिटर का मतलब है कड़वा, और एक बिटर का मतलब है ना बहुत खराब, वेरी बैडली, बैड के सेंस में। तो जहां कड़वा के सेंस में है ना,
तब वहाँ पे उसका आई मतलब ly मत लगाना, ठीक है। जहाँ कड़वा के सेंस में है वहाँ पे एडवर्ब मत लगाना, एडजेक्टिव लगाना, लेकिन जहाँ खराब के सेंस में है वहाँ एडवर्ब लग सकता है, एडवर्ब लग सकता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लगाया, यहाँ किस सेंस में था, फूड का जो स्वाद था ना कड़वा था, तो यहाँ कड़वा के सेंस में है तो एडजेक्टिव लगाना। बट यहाँ वो बहुत कड़वा नहीं रो रहा था, बहुत बैडली रो रहा था, जो बैडली के सेंस में है तो एडवर्ब लगाना, एडवर्ब, एडवर्ब लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, यहाँ कड़वा के सेंस में नहीं है, यहाँ तो बैडली के सेंस में है, और जब भी बैडली के सेंस में है तो बिटरली लगा दें, बिटरली, बिटरली। शी वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, बताओ, जल्दी से बताओ। हंग्री क्या है, भूखा है, हंग्री इज एडजेक्टिव और हंग्रीली इज एडवर्ब। अब वो बहुत हंग्री, उसको बहुत भूख लगी थी, अब भूख लगने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, भूख लगने में कोई क्रिया वगैरह थोड़ी हो रही है कि एडवर्ब लगाओगे, जब क्रिया नहीं हो रही है एडजेक्टिव लगा, और उसने सारा फूड हंग्रीली खा लिया। अब बताओ कि हमें किसकी विशेषता बतानी है, यहाँ तो शी हंग्री थी, शी की विशेषता बताई जा रही थी, और शी प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव चाहिए, बट यहाँ शी ने सब चीज़ हंग्रीली खा लिया। ये ईट का पास्ट टेंस एट होता है, और खाने में क्रिया हो रही है, खाने में क्रिया हो रही है, तो हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब, एडवर्ब, ऐसा वाला एरर मिलेगा आपको। शी एट ऑल द फूड हंग्रीली, भूखकर तरीके से उसने सारा खाना खा लिया। तो एक तो ये एरर आता है, दूसरा क्या एरर आता है कि एक्शन और स्टेटिव वर्ब से दूसरा एरर क्या आने वाला है। एक तो एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आओ, अब बोलोगे मैम और क्या क्या एरर आता है। अच्छा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन जो एग्जाम वगैरह में आया हुआ है, चलो बताओ। चार ऑप्शन दिया है, द फ्लास स्मेल सो स्वीटली, ओके, ये वाला अंडरलाइन है, ठीक है, ये पार्ट अंडरलाइन है। अब मुझे सही आंसर बताओ, द फ्लास स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लग देम। टोटल चैप्टर पढ़ाइएगा, टोटल चैप्टर पढ़ाइएगा, फ्लास इतना अच्छी, उसकी मीठी खुशबू थी ना कि आई थॉट कि मैं सारा प्लग कर लूँ, ये वाला स्वीट ना यहाँ से निकल कर यहाँ। अब मुझे बताओ कि कौन सा आंसर है, ये वाला हटा दो, ये वाला स्वीट ना यहाँ रहना चाहिए, कौन सा आंसर है, प्लग करना मतलब तोड़ना, हाँ तो कौन सा आंसर होगा, यहाँ फ्लावर्स की जो खुशबू है बहुत मीठी खुशबू है, तो ये तो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं लगेगा, गलत, यहाँ भी गलत। और द फ्लावर्स विल स्मेल सो स्वीट, फ्लावर्स इतना अच्छा स्मेल करेगा ही करेगा ना कि मुझे तोड़ने का मन है, नहीं, फ्लावर्स यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, उसकी खुशबू अच्छी है, उसको पहले से उसको खुशबू मिल रहा है, तभी तो वो उसको तोड़ना चाह रहा है, विल मत लगा, विल नहीं लगा। नेक्स्ट वाला, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, सो ये सब क्वेश्चंस ना एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, एक स्पैम आ रहा है ना, आज उन्होंने फॉन्ट साइज इतना छोटा कर दिया है ना कि मुझे अब मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव इंग्लिश से प्यार करना है, इंग्लिश से डरना नहीं है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली नहीं होगा, यहाँ पे इज स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब थोड़ी लेता है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, ब्लाइंड। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, ये तो बहुत पोलाइट हो रहा है, बहुत पोलाइट है, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली नहीं होगा ना, वो बहुत विनम्र दिख रहा है, तो यहाँ ही इज बीइंग जो है ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेते हैं, एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, अब आपके पास, हाँ एक और क्वेश्चन कर लो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, दो लोग एक साथ नहीं देख सकते हैं प्लस पे, ये सब फैसिलिटी हटा दिया। देखो यहाँ स्वीटली नहीं होगा ना, मैंगोज का टेस्ट, मैंगोज तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके द्वारा तो कोई क्रिया नहीं होगी, तो यहाँ स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ स्वीटली नहीं लेगा, क्या ये सही है, अगर मैं ऐसा लिख दूँ क्या ये सही है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, स्वीटर लगा दो ना,
स्वीटर लगा दो, स्वीटर स्वीटर स्वीटर, मोर लगा के तो हमें हमें टेस्ट वर्ड ना अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, ठीक है? तो सिंस दैन लगा है और इसका तो स्वीटर बनता ही है, ईआर लगा के बनता ही है, मोर लगाने की जरूरत नहीं, स्वीटर लगा दो, स्वीटर, मोर स्वीट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, हाँ अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, अब दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की आपने तो मैम चलो बता दिया, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है, और क्या एरर आता है, और क्या आता है स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से एरर? एक चीज और याद रखना है कि स्टेटिव वर्ब जो होते हैं ना उसका आईएनजी नहीं बनता है, स्टेटिव वर्ब जो होता है ना वो एट प्रेजेंट स्टेट बताता है, तो स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूएशन में नहीं चलता है, इसलिए उसका आईएनजी नहीं बनता है। बट एक्शन वर्ब जैसे पढ़ने का काम, सोने का काम, लिखने का काम आप कंटिन्यूअस कर सकते हो, तो इसका आईएनजी बनेगा, बट स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है? चलो अब इस पर देखो, ये सब छोड़ो, बस याद रखो कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये सब लिख के छोड़ दूंगी ना, ये सब एग्जाम्पल दे दूंगी तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी होने वाले हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, बस इतना याद रखो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, जिसको मैं टेंस में फिर से पढ़ाऊंगी, बट एक्शन वर्ब का बनता है, ठीक है? एक्शन वर्ब का बनता है। अब मुझे बताओ कि ये नो कैसा वर्ब है, आई एम नोइंग द ट्रूथ, ये कैसा वर्ब है? क्लोज टेस्ट का ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी किस डेट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, नोइंग, आई एम नोइंग द आंसर, मुझे ये सच्चाई पता है, और नोइंग नोइंग में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो इसलिए इसका आई एन जी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, ओके? उसी तरह अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने नोइंग को करेक्ट करवाया, बट यहाँ का नोइंग तो सही है, यहाँ का नोइंग सही है, क्यों? आने वाले क्लासेस में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ का जो नोइंग है ना, यहाँ का नोइंग है वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ का नोइंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो नोइंग वर्ब है ना, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, बट यहाँ का नोइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ का नोइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प। अब देखना, अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ऊपर वाले नोइंग, नो अगर, नोइंग अगर सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है ना, तो उसका आईएनजी मत लगाना, क्योंकि वहां का नोइंग स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। बट अब मुझे बताओ कि मैं जो जो पूछूंगी ना, बस मुझे वही कमेंट करना, इस सेंटेंस में वर्ब आपको कौन सा दिख रहा है, जो मैं आपको बोलूंगी बस वही बताना, इस सेंटेंस में आपको वर्ब कौन सा दिख रहा है? स्टेनो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है सैटरडे और संडे को, विल हेल्प ना, विल हेल्प है, विल ऑक्सिलरी है और ये मेन, ये हेल्प, ठीक है? विल हेल्प तो ये वर्ब है, और सदियों पहले वर्ब ने किससे एग्रीमेंट किया है? वर्ब ने सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हम वर्ब अपने सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। और इस सेंटेंस का प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप किसी भी सिचुएशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जान लोगे ना, तो आपको हेल्प करेगा सिचुएशन को हैंडल करने में। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको हेल्प नहीं करेगा, डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानना आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ का नोइंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ का नोइंग सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, तो यहाँ का नोइंग ना नाउन है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ का नोइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा था, वर्ब का काम करेगा तब उसका आईएनजी नहीं होगा, बट यहाँ का नोइंग तो नाउन का काम कर रहा है, इसका आईएनजी होगा, आईएनजी होगा। नेक्स्ट वाला, आई एम हैविंग 3 cars। अब ये जो हैविंग है ना, ये आपको प्रॉब्लम्स करता है, ये जो हैव है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप तो बता रहे हो कि हैव का आईएनजी गलत है, पर हमने तो सुना है कई बार हैविंग, कई बार हमने हैविंग वर्ड सुना भी है, आप इसे गलत क्यों बता रहे हो? क्योंकि हैव का आईएनजी गलत तब होगा ना, जब वाक्य में हैव पोजेशन बता रहा है, पोजेशन, पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार, ठीक है? मालिकाना अधिकार पोजेशन बता रहा है, और पोजेशन एक स्टेटिव वर्ब है, और उसका आईएनजी नहीं होगा, उसका आईएनजी नहीं होगा, उसका आईएनजी नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो हैव का कहाँ आईएनजी होगा और कहाँ नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? आईएनजी कब नहीं होगा? जब पोजेशन बता रहा है, क्योंकि पोजेशन में क्या है,
पोजेशन में तो एक्शन नहीं हो रहा है ना। मैंने लिखा, देखो फटाफट लिखते हैं, आप भी लिखते जाओ। ही इज हैविंग टू बुक्स, और फिर लिखा मैंने ही इज हैविंग लंच। ही इज हैविंग फीवर। He is having a meeting tomorrow. फिर he is having a nice time at his uncle's house. अब आपको देखना है कि कब हैविंग में आईएनजी होगा और कब हैविंग में आईएनजी नहीं होगा। अंकल्स हाउस हो कि अंकल्स टाइम लिख दिया, सॉरी, आई एम इज हैविंग ए नाइस टाइम। अब मुझे बताओ यहाँ का हैविंग क्या बता रहा है, बिकॉज इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। एक वर्ड का बहुत सारा मतलब जा सकता है। अब बताओ कि यहाँ का, उसके पास दो किताबें हैं, वो दो किताबों का ओनर है, दो किताबों का मालिक है, तो यहाँ का हैव क्या बता रहा है? पोजेशन या ओनरशिप बता रहा है, ठीक है, पोजेशन या ओनरशिप बता रहा है। और ही इज हैविंग लंच में उसके पास लंच है नहीं, वह लंच खा रहा है, ही इज ईटिंग। और ही इज़ हैविंग फीवर, उसको फीवर है, तो यहाँ हैविंग का मतलब है ना सफरिंग। और ही इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो, ही इज़ हैविंग अ मीटिंग, इसमें दो सेंस जा सकता है। कल उसका मीटिंग है, या तो कल वो मीटिंग कंडक्ट करेगा या ही विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग टुमारो, ओके। और ही इज़ हैविंग अ नाइस टाइम, उसको तो नाइस, ही इज़ हैविंग अ नाइस टाइम मीन्स ही इज़ इंजॉइंग, ही इज़ इंजॉइंग। एंड वॉट डिड आई से प्रायर टू दिस, कि हैव का हैविंग इज रॉन्ग ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस हैविंग इज डिनोटिंग पोजेशन। सो इन दिस सेंटेंस हैविंग इज डिनोटिंग पोजेशन, तो वी कैनॉट हैव द आईएनजी फॉर्म ऑफ हैविंग। यहाँ का हैविंग ना पोजेशन बता रहा है, और पोजेशन बताना एक स्टेटिव वर्ब है, तो उसका आईएनजी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे ही हैज, हैव मत लगा देना, हैव मत लगा देना, ही हैज। FCI के लिए भी इंग्लिश, हर वो एग्जाम जिसमें आता है ना इंग्लिश, सबके लिए। और ही इज़ हैविंग लंच, अरे यहाँ लंच खा रहा, खाने पीने में क्रिया हो रही है ना, तो ING लगा देना। ही इज़ यहाँ भी हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है, पोजेशन बताएगा तब ING गलत करना, बट यहाँ तो बेचारा सफरिंग फ्रॉम फीवर है, होगा। और ही इज़ हैविंग अ मीटिंग कंडक्ट करेगा, अटेंड करेगा, स्टेटिव वर्ब नहीं है, एक्शन है, इसका ING होगा। और ही इज़ इंजॉइंग में भी होगा। ओके, ठीक है, तो हैविंग का देख लेना। और अब और सब जगह हैविंग वर्ब ही है, जैसे नो में तो मैंने बता दिया कि अगर नो वर्ब का काम करे तो उसका आईएनजी मत लगाना, क्योंकि नो का एक ही मतलब होता है, उसमें मत लगाना। जिरेन का काम करे लगा देना, बट सारे जगह ना हैविंग वर्ब ही है। यहाँ सब जगह वर्ब है बट इसका आईएनजी हो रहा है, बट यहाँ पे जो हैविंग है ना ये एक्शन वर्ब है, तो आईएनजी लगा देना। बट यहाँ का भी हैविंग वर्ब था, स्टेटिव वर्ब था, तो नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो स्टेटिव, अब आपको समझ में आ गया है ना कि मैम ने इतना डिटेल में स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पे जोर क्यों डाला। ऐसा वाला चीज़ ना आपका टेंस में भी आने वाला है, कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या जिसका पास्ट कंटिन्यूअस या इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्टेटिव वर्ब है तो नहीं होगा, एक्शन वर्ब है तो होगा। यस, ओके, चलो नेक्स्ट वाला। हाँ चलो बताओ, यस, और भी बहुत सारे वर्ब्स मैं आपको दे रही हूँ। ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, तो यहाँ तो सही है ना, कंडक्ट कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, अब मैंने लिखा ही इज सीइंग द मूवी, वो मूवी देख रहा है, ये बोल देना ना कि सीइंग का आईएनजी नहीं होता है। गलत है, कभी कभी होता भी है। देखो, ही इज सीइंग द मूवी, तो वो मूवी देख रहा है, और देखने में ऐसा कोई क्रिया नहीं हो रहा है, तो ही अगर इसको आईएनजी में रखना है ना,
तो सी का तो आई एन जी नहीं होता है, आप इसको वॉचिंग कर दो. वॉच का आई एन जी होता है बट सी का आई एन जी नहीं होता है. ही इज सीइंग द मूवी, तो यहाँ तो देख रहा है, देखने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, मैं आपको देख रही हूँ, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब का आई एन जी नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलूँ सी यू टुमारो, कल मैं आपसे मिलती हूँ, तो ही इज सीइंग द पी एम टुमारो, कल वो पी एम को देखने नहीं जा रहा है, कल वो पी एम से मिलने जा रहा है, विजिट करने जा रहा है. तो यहाँ सीइंग का आई एन जी फॉर्म सही है, क्योंकि यहाँ सीइंग का मतलब विजिटिंग के सेंस में है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ आई एन जी होता है, बट यहाँ एक्शन नहीं था, नहीं हो. ओके, हाँ, सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ तो सीइंग सही है, क्यों, यहाँ का सीइंग इज है, इज वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ सीइंग ना नाउन का काम कर रहा है, जीरेंड. अगर कोई भी वर्ब जीरेंड फॉर्म में काम कर रहा है ना, जीरेंड में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो उसका तो आई एन जी होगा, आई एन जी होगा, आई एन जी होगा.